नमस्कार, बीटी न्यूज बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संगम रॉय। बेगूसराय टुडे के खबर का असर यूं तो हर हमेशा होते रहता है, लेकिन आज इतने कम समय में होते देखा जा रहा है। बेगूसराय टुडे के द्वारा संचालित खबर को देखकर आज पुलिस चौकीदार की ईमानदारी सबके सामने आई है। जी हां, आपने कुछ देर पहले बीटी के पेज पर संचालित खबर भागलपुर का न्यूज देखा होगा, जिसमें दो चौकीदार ड्यूटी पर तैनात रहकर भी गरीब बच्चों को पढ़ा रहे थे जब खबर डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने देखी तो वह खुद दोनों चौकीदार से फ़ोन पर बात की और उनका हौसला भी बढ़ाया है। क्या कुछ बात हुई है डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे से, सुनिए ये ऑडियो। सर है सर, नाथनगर में। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। सर आपके कोई चौकीदार हैं पासवान जी? उनके बारे में सुना है कि बच्चों को भी पढ़ाते हैं, ड्यूटी भी करते हैं, क्या ये बात सही है? सर वो ड्यूटी भी करते हैं, वहाँ बच्चों को भी पढ़ाते हैं सर। वहाँ नाथनगर स्टेशन के बगल में एकदम सलम एरिया है, कुछ स्वीपर लोग का बस्ती है अनुसूचित जाति का, तो वहाँ बच्चा लोग ऐसे खेलते रहता था, झगड़ा उगड़ा करते रहता था। बीच में एक दिन हम गए थे 7-8 दिन पहले, तो ये लड़का वहीं ड्यूटी करता है वहाँ पर, चूंकि बगल में हाई स्कूल भी है, गर्ल्स हाई स्कूल। तो आप बात करा दीजिएगा आप। सर बस तुरंत बात कराइए। हेलो सर चौकीदार जी बोल रहे हैं? हेलो, जय हिंद सर। चौकीदार जी बोल रहे हैं? जी सर। पासवान जी क्या नाम है? मेरा सर नाम है सर सचिन पासवान उर्फ सिंघम पासवान सर। अच्छा, सचिन पासवान उर्फ सिंघम पासवान। जी सर। तो आपका नाम बड़ा जानदार है और काम भी आपका बहुत शानदार है। जी सर। हम सुने कि आप ड्यूटी भी करते हैं। जी सर। उसके बाद जी स्लम एरिया के बच्चों को जा करके आप पढ़ाते भी हैं। जी सर। कैसे आपको प्रेरणा मिली कि ये काम करना चाहिए? सर हम उस जगह सर जो है ना ड्यूटी करते थे, और जो है बच्चे सर जो है ना आके हमको बोला दो चार ठो कि सर मैं पढ़ना चाहता हूँ, हम लोग गरीब हैं, अनाथालय में हम लोग पहले रहते थे, जो वहाँ जो है बड़ा हमें तो वहाँ से निकाल दिया, तो सर हमको पढ़ाइएगा। अकेले हाँ मैं पढ़ाऊंगा। जो क्या बच्चे हो? बोला कि सर हम 8 भाई हैं। तो कहिए ठीक है, तुम जो है 4 अपना है, चाचा का सब मिलाकर आ, और जो है जुटने लगा सर 12-13 बच्चा भी है पढ़ता है, सब गरीब है। तो जुटने लगा, सबको आप पढ़ाने लगे। जी सर। बहुत अच्छा है। जी सर। उनके कॉपी के लिए, किताब के लिए, जी सर, कलम के लिए जो भी पैसा खर्चा होगा वो सब हम देंगे, ठीक है? जी सर। आप बच्चों को बताइएगा जी, सब खर्चा जो भी होगा सब देंगे, हम आएंगे तो वहाँ चलेंगे भी, हमको दिखाइएगा ना। जी सर। हाँ तो हम चलेंगे भी, देखेंगे भी जी। और ये बहुत खुशी की बात है कि अपना ड्यूटी भी कर रहे हैं और ये सामाजिक काम भी कर रहे हैं जी। आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम है जी, प्रणाम है, आशीर्वाद भी है जी सर। ठीक है सिंघम जी? जी सर। सिंघम पासवान? जी सर। सचिन पासवान? जी। यही ना? जी सर। बहुत बहुत एकदम ऐसे ही अच्छा काम करते रहिए जी, और अपराधी के साथ कोई नहीं करना है। नो सर। ये शराब माफिया, दारू माफिया, क्रिमिनल अपराधी, ये सबको पकड़ना है, समझ गया? जी सर। ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया जी। जी सर। जीपी से बात करने के बाद चौकीदार फूले नहीं समा रहा था। आज हमको डीजीपी साहब से भी बात हुए, हमको फ़ोन किए कि आप जो है न्यूज़ के माध्यम से आपका मैं देखा कि आप चौकीदार के पोस्ट पे हो और बच्चे सबको पढ़ा लिखा रहे हो उस जगह, जो अनुसूचित जाति का बच्चा सब है। जो साहब बोले डीजीपी साहब कि मैं आऊँगा, आपसे मिलूँगा, आपके बच्चे से भी मिलूँगा, जगह भी देखूँगा। कहिए ठीक है सर, आप आइए, आपका स्वागत है। कैसा लगा आपको डीजीपी साहब से बात? बहुत अच्छा लगा हमको बात करने में, साहब भी हमको थैंक यू धन्यवाद दिए। उसके बाद विजय यादव भी आए? हाँ, फिर विजय भैया आए और उजय बुक
किताब कॉपी पेंसिल मार्क्स वगैरह सब दिए बच्चे सबको। हाँ डीजीपी साहब आपसे एक सवाल क्यों, बोले कि सर उस जगह जो है जाम का संभावना नहीं है, जो उस जगह जो है अभी जनता का आगमन लॉकडाउन है बहुत कम है, भीड़ नहीं लगता है इस जगह, जो बच्चे सब देखा हमको बैठे पूछे आके कि सर हम पढ़ना चाहते हैं, के लिए ठीक है आओ हम सबको पढ़ावेंगे, लेकिन पढ़ने लगे हम। आपराधिक गतिविधि को रोकने के लिए क्या दिशा निर्देश मिला आपको वहाँ से? इसी बीच नाथनगर के समाज से भी विजय यादव ने चौकीदार को फूलों से सम्मानित किया और बच्चों के लिए किताब कॉपी और कलम भी दी। देखिए इस वीडियो में आखिर विजय यादव ने क्या कुछ कहा। भागलपुर से सुशील कुमार की ये रिपोर्ट। खबर मिली कि ये लोगों यहाँ पे जो है एक चौकीदार है जो कि ड्यूटी के साथ साथ बच्चे को पढ़ाई भी करते हैं, तो मैंने सोचा कि इनको जो है कुछ किताब कॉपी उपलब्ध करा दूँ, क्योंकि गरीब घर के बच्चे हैं, इनको मैंने किताब कॉपी उपलब्ध कराया और बाकी जो भी सामान लगेंगे वो सारे चीज़ उपलब्ध कराएंगे। बाद वो कि अभी जो स्कूल बंद है, स्कूल खुलने के बाद मैं चाहूँगा कि बच्चे को कहीं ना कहीं स्कूल में दाखिला करवा के इनका जो भी पढ़ाई लिखाई का जो भी खर्च हो मैं अपने तरफ से बेयर करने के लिए अपना चाह रहा हूँ। अपना पक्ष है, मेरा नाम विजय कुमार यादव।